नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज बहुत सारे लोगों ने हमारे लाइव शो को देखा है, समझा है, सीखा है। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं जो उन्होंने अपना शेयर किया हुआ है और इस विषय में आज हम सुनेंगे। और उन्होंने बताया है कि लाइव शो से वो क्या सीखें और लाइव शो उनके जीवन में कौन से परिवर्तन को लाया है, कौन से राह को दिखाया है। ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे और बहुत सारे लोगों का गवाही सुनेंगे लाइव शो के विषय में। तो दोस्तों, आइए हम सुनते हैं कुछ भाइयों की गवाही जो लाइव शो उनके जीवन में परिवर्तन लाया है और वो लाइव शो से क्या सीखें इस विषय पर। आइए। जय मसीह की। मेरा नाम सुभाष है, मैं चंदौली ज़िले उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे लाइव शो चैनल देखने के लिए अगुवाई किया और मैंने इनके चैनल को देखा और उसमें बहुत सारी सीख मुझे मिली। मेरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन भी हुए क्योंकि मैं प्रभु का वचन के द्वारा सही सीख लेने की कोशिश में था कि सच्चा सीख सिखाए, कोई खराई की बातें सिखाए। तो परमेश्वर ने हमें अगुवाई किया कि मैं इस शो को देखूँ, तो मैं देखा और मैं इसमें जितनी बातें सीख ली वो वचन के अनुसार है। और बहुत ऐसी गलत शिक्षाओं को भी मैं मानता था जो इस भैया के इस सारे वचन के अनुसार बताए हुए तरीके के द्वारा मैंने अपने जीवन में वो सारी बातें अलग किया और अलग कर करके मैं अच्छा से आज वचन का सही सीख लेकर जी रहा हूँ। मेरे अंदर बहुत सारे परिवर्तन है लाइव शो देखने से। परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे भैया को कि और भी खराई से और सच्चाई से परमेश्वर का वचन जगह जगह फैलाएँ और बहुत सारे लोग जो गलत शिक्षाओं में बहके हैं सही रास्ते पर आएँ और प्रभु की सच्ची महिमा करें और आगे बढ़ें। सो जय मसीह की। लाइव शो का परिवार को मेरा तरफ से नमस्कार। और मैं दार्जिलिंग का रहने वाला हूँ, मैं जमशेदपुर में रहता हूँ और मैं बहुत उदास में हूँ क्योंकि मैंने सच्चा वचन को नहीं पाया हूँ। और मेरा जो मंडली है वहाँ पर अच्छी सी वचन दे नहीं पाता है, तो इसलिए एक विश्वासी भाई बना सके और वो लोगों को बता सके, ऐसा मेरे को अब देखने जो भी मैसेज देते हैं उस मैसेज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सीखना चाहता हूँ और आपका साथ में हम चलना चाहता हूँ। और आपने मेरे को जो भी मैसेज देते हैं लाइव शो से, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं बहुत पढ़ने लिखने में मैं कमज़ोर हूँ, इसलिए पढ़ने लिखने नहीं सकता हूँ, तो बहुत मुश्किल से पढ़ के मैं आगे बढ़ना चाहूँ। और मेरे कितना बुद्धि ज्ञान दे और आप लोग भी प्रार्थना करिए कि मैं हमेशा आपका साथ में लाइव शो में रह सकूं और मैं आप लोग का क्लास पढ़ सके, आप लोग का बाइबल क्लास में जा सकूं। और आप लोग भी मेरे को बुलाइए और हम आपका पास आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। कोई दिन में भी आप बुला सकते हैं और कॉल करके बात करिएगा मेरे से। और मेरा बहुत आपका निमंत्रण हूँ कि आज मैं बोल नहीं पाता हूँ, तब भी मैं नेपाली हूँ, तब भी हिंदी थोड़ा सा मेरे को कठिन होता है, इसलिए मैं हिंदी भी बोल सकूँ और पढ़ाई भी कर सकूँ। और मैंने एक क्लास भी स्कूल नहीं देखी, तब भी आज बाइबल पढ़ के मैं बहुत थोड़ा सा आगे जाता हूँ। इसलिए आप मेरे इस सब लाइव शो के लिए परिवार को धन्यवाद देते हुए आप सबको मेरे तरफ से नमस्कार। नमस्कार, मैं किरण धांगड़ा और मैं बॉम्बे में डहन एरिया में रहता हूँ और मैं प्रभु में 1.5 साल से हूँ, लेकिन उस बाइबल की सच्चाई को मैं समझ नहीं पा रहा था। और जब से मैं लाइव शो से जुड़ गया तब से मेरे में बहुत परिवर्तन हुआ और बहुत सारा बदलाव हुआ। और लाइव शो के सारे वीडियो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और लाइव शो से बहुत कुछ मैंने सीखा। और लाइव शो ने एक बार परमेश्वर की सेवा करने के लिए मुझे मौका दिया है और वो तो प्रभु की बड़ी कृपा है जो मुझे लाइव शो तक लेके गई।
और आज सारे ज़रूरतों को लाइव शो ने पूरा किया है, इसलिए मैं लाइव शो को दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मेरा सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि वो सभी लाइव शो देखें। ईश्वर आप सभी को आशीष। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रामविलास ठाकुर, मैं हूँ नेपाल से। मैं नहीं जानती थी प्रभु यीशु मसीह को पहले, बाद में से लाइव शो देखा, बाद में इसको जाना, लाइव शो से मैं सीखा है ये सब, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया मैं, उसके बाद में बिल्कुल सही हो गया है, बिल्कुल अच्छा है, चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक। पहले काफ़ी परेशान रहते थे, चिंता में फंसे से, दुख में, कर्जे में, अभी ग्रहण कर लिया है प्रभु यीशु मसीह को तो अच्छा है। वो परमेश्वर का पुत्र है, सही है, धरती पर आया था 2016 साल पहले आया था ये धरती पर, हमको पाप क्षमा करने के लिए क्रूस पर गया है। हम पापी है, गुनहगार है, वो हमारा पाप क्षमा वही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह को बिना कोई नहीं कर पड़ सकता है। ज़रूर आप उसे अपना ही बुला रहा है हमको, जब हम आप माँ के पेट में नहीं थे तभी से बुला रहा है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष सिंह दिल्ली से। मैं बहुत दिनों से उन मसीह भाइयों से या जो लोग प्रभु यीशु मसीह में हैं उनसे कुछ अपना अनुभव बांटना चाहता था। आज प्रभु की इच्छा से वक्त मिला तो मैं अपना एक छोटा सा वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो गवाही है लाइव शो चैनल के विषय में और भाई नरेश महानंद के विषय में। मैं लगभग 2 साल से प्रभु यीशु मसीह में हूँ और इन 2 सालों में मुझे अलग अलग 2 कलीसियाओं व चर्चों से मैं जुड़ा, पर मुझे कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं मिला क्योंकि कुछ बारीकी तौर से कुछ सिखाया ही नहीं जाता। लेकिन दोस्तों, पिछले 2 महीने से मैं भाई नरेश महानंद के यूट्यूब चैनल लाइव शो से जुड़ा, जहाँ से मुझे बहुत ही अच्छी व सच्ची जानकारी मिलती है, जैसे बाइबल के बारे में, बपतिस्मा के बारे में, मसीह जीवन के बारे में, पास्टर्स के बारे में, प्रार्थना के बारे में, प्रभु यीशु मसीह व परमेश्वर के बारे में, गवाही के बारे में, चंगाई के बारे में, आत्मिक जीवन के बारे में, क्रिसमस के बारे में, दान व दशमांश के बारे में, यीशु के 40 दिन के उपवास के विषय में, वह बहुत सारी जानकारी जो हमें यानी जो लोग प्रभु यीशु मसीह में हैं उन्हें पता होनी चाहिए। मैं तो थैंकफुल हूँ भाई नरेश महानंद का व उनके वीडियोज़ का। मैं तो आपसे भी यही अनुरोध करता हूँ कि आप भी लाइव शो से जुड़ें व जुड़कर परमेश्वर के कार्यों में आगे बढ़ें। धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। मेरा नाम धर्मेंद्र है और मैं जटोला गांव जटोला और ये तहसील पलवल, डिस्ट्रिक्ट पलवल का रहने वाला हूँ और मैं यीशु मसीह में लगभग 9 साल से हूँ। मैंने महेश महानंद पास्टर जी की जो वीडियो क्लिप है, जो उनके प्रचार हैं, उनसे यही सीखा है कि पहले हम जो पहले जो हम पुरानी व्यवस्था के अनुसार दशमांश देते थे, हम चाहे कितनी भी परेशानी में हों फिर भी हमें दशमांश देना पड़ता था, क्योंकि मास्टर ये बताते थे कि बाइबल के अनुसार जो हम कमाते हैं वो दशमांश देना चाहिए। उस हिसाब से चाहे हम परेशान हों पर दशमांश फिर भी देते थे। और पुराने और नए नियम के बारे में भी और कुछ ज़्यादा जानने को मिला और आपके इन प्रोग्रामों से मुझे आत्मिक भोजन मिला है जो पहले नहीं मिला था। बस इतना ही कहना चाहूँगा। सभी को जय मसीह। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि भाइयों ने क्या क्या बातें को कही है और कौन कौन से बातें उनके जीवन में काम आई और मसीह जीवन को किस प्रकार से उन्होंने सच्चाई को पहचाना और आज वो बाइबल की डॉक्ट्रिन्स के तरीके से जीना चाहते हैं और उन्हें बेहतर लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार से आप भी अपने वीडियो को हमसे शेयर कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर 1-1.5 मिनट का वीडियो बनाएं और आपने लाइव शो से क्या सीखा है, लाइव शो आपके जीवन में कौन से परिवर्तन को लाया है और ये सभी बातें सबसे पहले वीडियो में अपना नाम बताएं, आपका शहर का गांव का नाम बताएं, आप कहां रहते हैं और आप कौन से काम को करते हैं और प्रभु में कब से हैं और आपने लाइव शो को कब से देखा, कब से लाइव शो के पीछे आप उस डॉक्ट्रिन को सीखे हैं
और लाइव शो से आप क्या क्या सीखे हैं, बस इतनी सी बातें को आपको बताना है। और इस प्रकार से वीडियो बना करके हमें शेयर करें, हमें सेंड करें, और उस वीडियो को हम बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएंगे। परमेश्वर आपके जीवन से वो गवाही देगा, परमेश्वर आपके जीवन से आप अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं इस प्रकार से, और सारी दुनिया आपको देखेगी। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो आपके पास लाते रहेंगे, और इसी प्रकार से आप हमारे चैनल को देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें व्हाट्सअप करें, हमें ईमेल करें, और जल्द ही हमारा वेबसाइट आ रहा है। वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करवा करके आप मोटिवेशन क्लास ले सकते हैं ऑनलाइन, बाइबल क्लास ले सकते हैं ऑनलाइन। इस प्रकार से आप लाइव शो के साथ जुड़ करके परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, और लाइव शो में हेल्प ग्रुप में आप अपना नाम लिखवा करके परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, अपना डोनेशन दे सकते हैं। क्योंकि लाइव शो जो हेल्प ग्रुप है, वो हेल्प ग्रुप क्या करता है, लुए लंगड़े भिखारी अनाथ और गरीब असहाय लोगों के पास जा करके उनकी मदद करता है, उनको उनकी कुछ कुछ ज़रूरतें की वस्तुएं मोहलत करवाता है, और आप इस प्रकार से हमारे साथ साझी होकर के परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है दोस्तों कि अधर्म के धन से अपने लिए स्वर्ग जाने के लिए मित्र बना लो। स्वर्ग में धन इकट्ठा कर तो वहाँ ना तो कीड़े लगते, ना तो चोरी होते हैं, इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। और जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन होगा, और प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं इन छोटे में से छोटे लोगों के साथ जो तुम करते हो वो मेरे साथ करते हो। तो हमें उनके साथ क्या बर्ताव करना चाहिए, हमें उनकी कैसी मदद करनी चाहिए, ये सभी बातों को हमें जानना है, और परमेश्वर के साथ परमेश्वर के कार्यों को करना है। तो लाइव शो में जल्द ही अपना नाम जुड़वा करके, ज्वाइनिंग ले करके हमारे साथ परमेश्वर के कार्यों को कर सकते हैं, और फ्री ऑनलाइन बाइबल क्लास, फ्री ऑनलाइन मोटिवेशन क्लास ले सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि परमेश्वर का वचन हर किसी तक पहुंचने वाला बन सके। और फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में हर जगह शेयर करें। इस प्रकार से आप परमेश्वर की महिमा करेंगे, और जिस प्रकार से आप हर महीने का राशन का बिल, बिजली का बिल और ट्यूशन फीस और टीवी का बिल और इस प्रकार से बहुत सारे बिल हम देखते हैं, तो उसी प्रकार से हम परमेश्वर के लिए भी एक लोगों को देने का बिल इस प्रकार से छोटा सा जोड़ लें उस लिस्ट में, और हर महीना छोटा सा दान के तौर पे आप हमारे अकाउंट नंबर पे सेंड कर सकते हैं, स्टेट बैंक का अकाउंट नंबर पे सेंड कर सकते हैं, पेपल अकाउंट पर सेंड कर सकते हैं जो कि इंटरनेशनल है, और पेटीएम पर जो आप अकाउंट सेंड कर सकते हैं पेटीएम पर भी। तो इस प्रकार से परमेश्वर की सेवा आप हमारे साथ मिल करके परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो के साथ फिर से एक बार आपके पास प्रस्तुत होंगे, और आपको नए नए बातों का जानकारी देंगे, नए नए डॉक्ट्रिन्स और बाइबल की शिक्षा को बताएंगे जिसे आप नहीं जानते थे, और आज आपने उस चीज़ को जाना है, और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो को आपके पास लाते रहेंगे, तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।